ऑल राइट, सबसे पहले मैं यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि श्वेता कौन है और दिखाऊंगा श्वेता का असली फोटो और ये भी बताऊंगा कि श्वेता का माइक क्यों ऑन था। जी हाँ, अगर आपको जानना है श्वेता कौन है और देखना है कि श्वेता कैसी दिखती है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और उससे पहले अगर चैनल पे हैं नए तो कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को भैया कर दीजिए लाइक। कुछ दिनों पहले हमारे देश में पूछा जाता था कि विनोद कौन है, हर कोई पूछता था कि विनोद कौन है, तू जानता है विनोद कौन है, पर कोई नहीं जानता था विनोद कौन है। उसी तरह हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि श्वेता का माइक क्यों ऑन था, किसी को नहीं पता, पर मैं बताऊंगा आपको कि श्वेता का माइक क्यों ऑन था। भाई तुम लोग को क्या लगता है कि श्वेता का माइक क्यों ऑन था, कमेंट में जरूर बताना। दरअसल जो श्वेता जो है, श्वेता जी जो है, वो एक जूम मीटिंग में 111 लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और इसी दौरान वो किसी अपने दोस्त से किसी और के अफेयर के बारे में बात करने लगी। उनको लगा कि उनका जो माइक है वो बंद है, पर उन्होंने ना माइक नहीं बंद किया था, उन्होंने आवाज़ को म्यूट कर दिया था। और उस जूम मीटिंग में जितने भी 111 लोग थे वो लोग सिर्फ एक ही बात पूछ रहे थे, पता है कौन सा? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यही सवाल का जवाब तो हर कोई जानना चाहता है कि कौन है ये लोग, मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग, पीके है कहा। भाई बात करते हैं मुद्दे की, मुद्दा ये है कि वो किसके सीक्रेट के बारे में बात करते हैं। कहानी है कि एक लड़के ने श्वेता को अपनी पर्सनल बातें बताई, एक दोस्त समझ के, एक फ्रेंड समझ के एक लड़की को नॉर्मली बता दी होंगी बातें चुलबुल पांडे बनकर, और श्वेता ने ये बातें अपने दोस्त को बता दी। किसे बताई? अपनी दोस्त को नहीं बताई, 111 लोगों को जूम मीटिंग में बताई, और उसी में से किसी कमीने ने इस चीज़ इस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया और ये वीडियो वायरल हो गई। अच्छा हो वायरल हो गई, मैं तो पक गया था पार्टी हो रही है। क्या पार्टी हो रही है, ढंग से बोलना सीखो बहन। तो अभी आ गए हैं श्वेता, इन्होंने अपना माइक बंद नहीं किया और हमें अच्छा खासा मेमे जो होता है वो कंटेंट दे दिया है, और ये पूरी बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है और हर कोई एक ही चीज़ पूछ रहा है। अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि श्वेता तुम्हारा माइक क्यों ऑन था, यू नो मोदी जी भी पूछ रहे थे कि मित्रो कोई तो बताओ कि श्वेता का माइक क्यों ऑन था, और यहाँ तक कि मोदी जी भी पूछ रहे थे कि मुझे भी जानना है कि श्वेता कौन है। तो देखो भैया, इस पूरी कहानी से मुझे तो एक ही चीज़ सीख मिलती है, वो है ये कि अपनी जो पर्सनल बातें हैं ना वो अपने तक ही रखिए। अगर आप किसी दूसरे को कहेंगे तो वो जाके 10 से कहेगा, 10 से नहीं 11 से कहेगा, और वो 11 पूरी दुनिया को कहेंगे। तो समझ रहे ना कि अपनी बात अपने तक रखिए, ये बहुत बड़ी सीख सभी के लिए। अब श्वेता का माइक ऑन क्यों था ये तो श्वेता ही जान सकती है, और श्वेता का असली फ़ोटो, जी हाँ असली फ़ोटो ये रहा श्वेता का असली फ़ोटो। माफ़ कीजिएगा, श्वेता का फ़ोटो हमें हमारे पास भी नहीं है, और हाँ आपके आस पास कोई श्वेता ज़रूर होगी, आप उसे ये ना पूछे कि आपने श्वेता तुम्हारा माइक क्यों ऑन था, वरना दो चप्पल जूते सैंडल बहुत सारी लाते पड़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और भाई को गाली मत देना कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बकचोदी के साथ।